नमस्कार, मैं हूं नाजिया, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पाकिस्तान के इमरान खान सरकार ने जबरन धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया। अब इसे लेकर पाक में इस्लामिक कट्टरपंथी और मौलवी नाराज हो गए हैं। उन्होंने इमरान खान सरकार को धमकी दी है कि इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में धार्मिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जबरन धर्मांतरण विरोधी विधेयक के मसौदे पर चर्चा हुई। इस बैठक में भाग लेने वाले मौलवियों और धार्मिक विद्वानों ने विधेयक पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने इमरान खान सरकार को धमकी दी कि इसे लागू नहीं करने दिया जाएगा। मंत्रालय ने बैठक करने के लिए केवल मुस्लिम हितधारकों को ही बुलाया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों को बैठक में नहीं बुलाया गया। बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्री पीर नूरुल हक कादरी ने की। सरकार ने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के अध्यक्ष डॉक्टर किबला अयाज, CII के दूसरे अधिकारियों और स्थानीय मौलवियों को बैठक में बुलाया था। आमंत्रित लोगों में से एक ने कहा कि उन्हें जबरन धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 के मसौदे पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। एक मौलवी ने कहा कि मसौदे की कॉपियां साझा की गई हैं और कमरे में सभी के दस्तावेज देखने के बाद ही ये चर्चा हुई। मसौदे को पढ़ने के बाद मौलवियों और धार्मिक विद्वानों ने धर्मांतरण की न्यूनतम उम्र समेत कई धाराओं पर गंभीर आपत्ति जताई। मौलवियों ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के जबरन धर्मांतरण को अपराध घोषित करने के खिलाफ आपत्ति जताई और कहा कि आयु वर्ग घरेलू हिंसा विधेयक के मसौदे से बिल्कुल अलग है, जो वर्तमान में कानून मंत्रालय के पास है। मौलवियों में से एक को ये कहते हुए कोट किया गया था कि जब माता पिता अपने बच्चों को घरेलू हिंसा बिल के तहत डांट भी नहीं सकते, तो क्या वे अपने बच्चों को इस्लाम अपनाने से रोक सकते हैं। मसौदा कानून में ये कहा गया कि न्यायाधीश धर्म परिवर्तन से जुड़े आवेदन मिलने के 7 दिनों के अंदर एक इंटरव्यू की तारीख तय करेगा। उस तारीख पर न्यायाधीश ये सुनिश्चित करेंगे कि धार्मिक परिवर्तन किसी के दबाव में, जबरन या फिर छल से तो नहीं किया जा रहा। प्रस्तावित कानून में ये कहा गया कि न्यायाधीश गैर मुस्लिमों को धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने और न्यायाधीश के पास वापस लौटने के लिए 90 दिनों का वक्त दिया जाएगा। इसके तहत 5 से 10 साल की सजा और 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें अगर किसी व्यक्ति को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो 2,00,000 रुपए तक के जुर्माना देने का प्रावधान है। पाकिस्तान न केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों बल्कि अपने ही देश के अंदर जातीय अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के लिए जाना जाता है। जबरन धर्म परिवर्तन अल्पसंख्यकों में खास तौर से पाकिस्तान में रहने वाले ईसाइयों, सिखों और हिंदुओं के खिलाफ जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।